आगे बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम स्थल तक जबरन पहुंचे किसान और पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। सड़क पर टैंकर खड़ा करके रास्ता भी रोका गया था। बैरिकेड्स तोड़कर और ट्रैक्टर से किसान जो है वो आगे निकले। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और जंक्शन के आबोहर बाईपास की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अभी हुआ, जहां पर 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात उन्होंने राजस्थान को दी। अब जब ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था उस दौरान हनुमानगढ़ में जो किसान है वो जबरन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और बताया गया कि पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग की गई थी और उसके साथ ही सड़क पर जो है वो टैंकर खड़ा करके भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और ट्रैक्टर्स को लेकर किसान जो है वो आगे निकल आए। तो ऐसे में पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं और पूरा मामला जो है वो जंक्शन के अबोहर बाईपास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लाठीचार्ज करके पुलिस को उन किसानों को खदेड़ना पड़ा है। उन्हें रोकने के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन फिर भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर पहुंच गए कार्यक्रम स्थल पर। और हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी विश्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विश्वास, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसान बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ट्रैक्टर लेकर, किस तरीके की जो वहां पर उस वक्त तस्वीर है, हालात पैदा हो गए थे, किस तरीके से पुलिस ने काबू पाया? बिल्कुल, ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है जहाँ किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो वहीं जो इससे पहले आपको बता दूं कि जो वर्चुअली जी विश्वास वहाँ रखा गया था, लेकिन जैसे किसानों को पता चला तो किसानों ने वहाँ जो सभा का ऐलान कर दिया, तो जिसके चलते प्रशासन को जो जगह बदलनी पड़ी और डीएवी स्कूल में ये प्रोग्राम रखा था, लेकिन डीएवी स्कूल में कार्य उन्होंने ट्रैक्टर उसको वहां पे ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू है यहाँ पर विश्वास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो हनुमानगढ़ से सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और देखिए ट्रैक्टर लेकर किस तरीके से किसान जो है वो कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े। जैसा कि सहयोगी विश्वास बता रहे हैं कि पहले कार्यक्रम स्थल पर किसान पहुंच गए, तो ऐसे में उन्हें कार्यक्रम का जो स्थल है वो बदलना पड़ा। दूसरी तरफ किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से पुलिस के साथ वो भिड़े और पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा उन्हें काबू भी करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसान किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर और ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो पुलिस के साथ टकराव उनमें नजर आ रही हैं और ट्रैक्टर लेकर देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके से यहां पर गिराई गई है, तोड़ी गई है। जब हालात काबू से बाहर होते नजर आए तो ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ना पड़ा। देखिए कितनी तेजी के साथ ट्रैक्टर ले जाते हुए यहां पर किसान नजर आए हैं। वैसे में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती थी, पुलिस के साथ साथ कोई किसान भी जो है इस ट्रैक्टर की चपेट में आ सकता था। तो ऐसे में पुलिस द्वारा कोशिश की गई उन्हें रोकने की और जब हालात काबू से बाहर होते नजर आए तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज यहां पर करनी पड़ी है। और हमारे सहयोगी विश्वास जो है वो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। वहां से अब विश्वास तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ी गई हैं, इसके साथ ही ट्रैक्टर जो है वो कितनी तेजी से ले जाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे हालात को काबू किया और अभी फिलहाल क्या हालात है वहां पर? अभी हालात है जो वो काबू में है और जो प्रोग्राम है वो भी हालांकि चल रहा है। अंदर नहीं जाने दिया गया किसानों को, जो किसानों की मंशा थी कि वो अंदर जाके जो कार्यक्रम में खलल डाल प्रयोग किया और किसानों को वहां से उनको खदेड़ दिया गया।
ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।